नमस्कार, मैं सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ आगरा के पास, एक शहर है फतेहपुर सीकरी, और वहाँ पर एक किला है जो कि जोधाबाई का महल के नाम से जानते हैं। मैं आपको इस पूरे महल के बारे में पूरी जानकारी दिलवाऊंगा। यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड हैं एजाज़ अहमद जी, बहुत अच्छे हैं। उनसे वीडियो को बनाने से पहले हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने पूरा समझाया और हमारी काफ़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने इस पर राज़ी हुए कि वो आपको भी समझा सकें। तो जब भी आप कभी यहाँ आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, एजाज़ अहमद उनका नाम है, ताकि उनसे उनकी मीठी आवाज़ में ये पूरे महल की जानकारी ले सकें। सब कुछ मैं अब उनके हवाले से आपको सुनवाऊंगा। जी, ये शुरू से कहानी कैसे शहर बना, कैसे ये फतेहपुर सीकरी, यहाँ ये दो जगहों के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली सीकरी पुराना यहाँ एक गांव था, यहाँ सीकरी के अंदर में पहले यहाँ राजपूत लोग यहाँ रहा करते थे। मुग़ल बादशाहों में सबसे पहले यहाँ फर्स्ट आए थे बाबर। बाबर ने यहाँ एक लड़ाई लड़ी थी, ये फतेहपुर के साइड से सेकंड पार्ट है, वहाँ एक मैदान है जिसको खांडवा का मैदान कहा जाता है, जहाँ बाबर और राणा सांगा के बीच वहाँ लड़ाई हुई थी 1527 में। उस जगह को बाबर ने जीता था, फतेह किया उस जगह को। उस जगह को जब बाबर ने जीत लिया, फतेह कर लिया, तो दोनों को नाम लग रख दिया माइंड फतेहपुर एंड सीकरी। लेकिन फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग जो बनाई वो सारी अकबर ने बनाई। अच्छा, अकबर रजिस्टर्ड मुग़ल, फर्स्ट मुगल बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर। अकबर बादशाह की तीन रानी थी, उनकी थ्री वाइफ, हिंदू वाइफ जोधाबाई, मुस्लिम वाइफ रुकैया बेगम, कृष्ण वाइफ मरियम। और अकबर की तीनों रानी से पहले कोई संतान नहीं थी। अकबर पहले अजमेर गए, अजमेर राजस्थान, अजमेर के अंदर वहाँ एक दरगाह है ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती की। लेकिन अजमेर से अकबर को एक सपना हुआ, एक ख्वाब हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, आपको वहाँ से संतान मिलेगी। उस टाइम यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये पूरा फतेहपुर सीकरी पहाड़ी इलाका था, केवल सीकरी था उस टाइम पर, सीकरी गांव था, पूरा पहाड़ी इलाका था। यहाँ पहाड़ी पर सलीम चिश्ती बाबा यहाँ रहते थे, अकबर बुलंद दरवाजे पर हैं। अकबर यहाँ चलकर, खाली पैर यहाँ चलकर औलाद के लिए, संतान के लिए आए। चिश्ती बाबा ने उनकी हिंदू वाइफ थी जोधाबाई, उनके लिए आशीर्वाद दिया, तो उनसे एक बेटा हुआ जिस बेटे का उन्होंने नाम रखा मोहम्मद सलीम। जब वो बड़े हुए, गद्दी पर बैठे, तो उन्हीं कबलत का सेकंड नाम रख दिया जहांगीर। तो जब अकबर को यहाँ से बेटा मिला, संतान मिली, उसकी मेमोरी में, उसकी खुशी में सारी फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग अकबर ने बनाई। बिल्डिंग जो उन्होंने स्टार्टिंग किया था वो 1570 में किया था, 1570, और 1582 में कम्प्लीट। 12 साल फतेहपुर सीकरी के बनने में लगा। यहाँ से जब भी आपने जो एंट्रेंस जो किया ना, जो गेट आपको पड़ा हुआ, वो पूरा बना हुआ था दीवाने आम, पब्लिक ऑडियंस, यहाँ पर वास्तव आम लोगों की बात सुनते थे, दीवाने खास, प्राइवेट ऑडियंस, बीच में यहाँ अकबर बैठते थे ऊपर मिडिल पर, या अकबर के बैठने की जगह, साइड से गेट जो बने ना, बालकनी जो बनी है, अकबर के यहाँ जो 9 मंत्री थे ना, अकबर के 9 रत्न, 9 मिनिस्टर्स, वो बैठा करते थे। जो भी खास मीटिंग करनी होती थी खास लोगों के साथ, वो उसी जगह पर किया करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं दीवाने खास। चढ़ते कैसे थे इसको? ये सीढ़ियाँ यहाँ से अभी क्लोज की हुई हैं, और यहीं पर बैठकर अकबर ने यहाँ एक मजहब का ऐलान किया था, दीन इलाही, दीन इलाही के मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, क्योंकि अकबर हर धर्म को मानते थे। ये पिलर जो आप देख रहे हैं ना, इस पर सारा आर्किटेक्चर किए हुए हैं। ये नीचे रेंज जो आप देख रहे हैं, ये है मुगल आर्किटेक्चर, सुराही सिस्टम इसको बोलते हैं ना, उमर खयाम सुराही जो है, दिस इज बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज द हिंदू मुस्लिम्स क्रिश्चियन चर्च। अच्छा, ये चर्च है पर्शियंस, और ये मुस्लिम है द जैन, जो जैनी मंदिर को अंदर। अच्छा अच्छा, ये जो आर्किटेक्चर में बना सिंबल जो है, ठीक है ठीक है। ये दीवाने खास, आगे आप चलकर देखेंगे अकबर यहाँ बैठकर एक गेम खेला करते थे, इस द गेम 25 उसको बोलते ना, लूडो गेम, लूडो। ये पीछे की तरफ क्या है? हाँ, इधर चलो, इधर से चलो। ये इधर लूडो गेम है, इधर ये क्या नाम है इसका? अकबर के यहाँ एक ज्योतिषी थे, ज्योतिष जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास, ये उनके बैठने की जगह थी सामने, एस्ट्रोलॉजर्स, यहाँ उनके ज्योतिषी बैठा करते थे। और ऊपर जो डिजाइन जो आप देख रहे हो ना, ये भी जैन आर्किटेक्चर किया हुआ है, गेट के ऊपर डिजाइन है। और ये बराबर में जो बना हुआ ना, इसका बोलते हैं खजाना महल, यहाँ सोने चांदी के सिक्के वगैरह वो रखे जाते थे। और इस तरह में यहाँ से अभी आपने फतेहपुर सीकरी के अंदर जो एंट्रेंस जो क्या आपको एक गेट पड़ा होगा जिसको आगरा ही गेट कहते हैं, वो पूरी किले की बाउंड्री बनाई है, सिटी वॉल चारों तरफ के लिए पूरा, लेकिन उसको 3 साइड में बनाया। एक साइड में उसके पीछे में एक पानी का लेक था उस टाइम पर, आडी पीसा लेक, मोती झील, लेकिन अभी वहाँ पानी सूख चुका है, किसान लोग खेती वगैरह करते हैं पीछे की साइड में। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, पूरा झील का एरिया है ये पीछे की तरफ, पीछे की तरफ।
यहाँ पे पानी भरा हुआ, ये क्या है? ये जो टैंक जो बने ये बिल्डिंग के आसपास, इसलिए उन्होंने यहाँ टैंक बनवाए थे क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। यहाँ बारिश का पानी जमा किया करते थे वो, और वो बिल्डिंग के काम में लेते थे वो। अच्छा, और ये क्या है बगल के जो महल है? ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पूरा खजाना महल के नाम से जाने जाता है। यहाँ अंदर सोने चांदी के सिक्के वगैरह वो रखने के लिए पूरा खजाना महल, खजाना महल। तो अब हम किस तरफ चलेंगे यहाँ से? अभी आप चलेंगे यहाँ, अकबर जो गेम खेलते थे ना, लूडो गेम जिसको बोलते हैं, वहाँ उस जगह पर बादशाह अकबर वहाँ गोटी की जगह वो दासी को खड़ा करते थे, सरमेंड लोगों को। क्यों? जिस तरह से गोटी के कलर होते उस तरह से दासी को ड्रेस पहनाते थे वो, कपड़े पहनाते थे वो, और वो आवाज़ दिया करते थे। जिस तरह से गोटी चलते थे, कुंज चलते, उस तरह से वहाँ खड़े होकर राजा की आवाज़ पर दासियाँ पैर बढ़ाते, गोटियों की जगह इंसानों को खड़े करते, दासियों को खड़ा करते सरमेंड लोगों को। अच्छा, और वो कहाँ बैठते थे? वो अभी देखेंगे वो जगह, उस जगह पर चल के। अच्छा अच्छा अच्छा, और तो इसका इस प्लेस का क्या नाम है जिस पे हम चल रहे हैं अब? ये यहाँ पर है जो गेम खेलते थे, ये पूरी, ये तो खुली जगह है, ये तो लॉन है, ये तो लॉन बना है खुली। ये वो जगह यहाँ जो गेम खेला करते थे ना, ये चार साइड में बनाया है, 1 2 3 4 लूडो। वहाँ ये जो सफ़ेद पट्टी और ये बीच में, वहाँ राजा रानी बैठते, वो क्रॉस है, यहाँ राजा रानी बैठते थे वहाँ पर सामने जो सीट है, और यहाँ वो दासियों को खड़ा करते थे सरमैन लोगों को। इसमें जो खाने बने हुए, इसमें सामने जो बना हुआ ना, ये है पंचमहल, 5 स्टोरी बिल्डिंग्स, ये पूरा ही पिलर के ऊपर बना हुआ है, 3 4 5 नीचे पिलर जो लगे हुए ना इसके अंदर, टोटल 176 पिलर है, 176 पिलर्स। सबसे नीचे 84 हैं, उसके बाद 56 20 12 4। अच्छा। उनकी हिंदू वाइफ थी जोधाबाई, ऊपर से सूरज के लिए वो जल चढ़ाती थी, मुस्लिम रानी वहाँ से ईद का चांद देखती थी, कृष्ण जो वाइफ थी मरियम चांदनी रात में हवा खाते थे, इंजोल लिया करते थे, उसको बोलते हैं जहाँ नुमा पंचमहल, मतलब पांचों मंजिल पे अलग अलग अपने अपने हिसाब से उसको यूज करते थे। ये सामने जो बना हुआ है, यह है यहाँ स्कूल चलता था, मदरसा, चलो आगे चलते हैं, VIP मदरसा, क्या केवल यहाँ मंत्री लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। जो अकबर के 9 मंत्री थे ना, इनमें एक मंत्री का नाम था, यहाँ जो पढ़ाते थे अबुल फजल, इन्होंने की अबुल फजल जो आपने पढ़ा होगा ना, इन्होंने फैजी अलग, अब वो अलग अलग है, वो दो हैं। तो यहाँ वो स्कूल था मदरसा,